सब्सक्राइब कीजिए सुमित ऑनलाइन क्लासेस को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। सुमित ऑनलाइन क्लासेस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 23। ऑन 1 अप्रैल 2013 जय और विजय एंटर करते हैं पार्टनरशिप के अंदर, और ये क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं लेबोरेटरी इक्विपमेंट टू गवर्नमेंट स्कूल। सिचुएटेड कहाँ पर है, वो रिमोट और बैकवर्ड एरिया के अंदर है। दे कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल, कैपिटल कितनी लगाई है, 80,000 और 50,000 रिस्पेक्टिवली, और वो एग्री करते हैं। जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगी वो क्या रहेगी, 3:2। पार्टनरशिप डीड कहता है प्रोवाइड क्या करती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, सेल बी अलाउड कितना करना है, 9% पर एनम। ड्यूरिंग द ईयर की बात करी जाए तो फर्म ने कितना प्रॉफिट अर्न किया, 7,800। श्योर टू कैलकुलेट करो क्लियरली, जो भी आपने कैलकुलेशन करनी है वो प्रॉपर तरीके से करनी है। प्रिपेयर करो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, किसका, जय का और विजय का, कब, 31 मार्च 2014। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, कितना करना है, 9%। तो 10 कर दो, काट दो, तो ये कितना बन जाएगा, 1%। 9% करना है तो ये कितना हो जाएगा, 9% के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये कितना है, 8,000 है ना, 2 0 काटनी पड़ेगी तब 1% होएगा। ठीक है, ये कितना आएगा, 800, और 800 कितने से मल्टीप्लाई करोगे आप, 9 से, ठीक है, इंटू 9, ठीक है, ये आएगा 7,200। तो जय को और विजय को, ठीक है, ये कितने आ जाएंगे, 7,200, और विजय के कितने आ जाएंगे यहाँ पर, 4,500। ठीक है, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 11,700 आ जाएगा। ठीक है, और आपके पास नेट प्रॉफिट कितना आया है, नेट प्रॉफिट आया आपके पास 7,800। तो इस केस में आपके पास जो प्रॉफिट है वो कम है, लेकिन जो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है वो ज्यादा देना है। तो क्वेश्चन साइलेंट है, तो हम कभी भी बिजनेस को लॉस में नहीं भेजेंगे। तो भाई अगर क्वेश्चन साफ बोले के फर्क नहीं पड़ता आपको, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो लॉस हो, आपने इसको चार्ज करना ही करना है, एज ए चार्ज अगर लिखा हुआ है प्रॉफिट पे चार्ज है। अगर ये अप्रोप्रिएशन है तब इसको हम क्या करेंगे, लॉस में नहीं भेजेंगे। अगर क्या है, ये चार्ज है, तब हम क्या करेंगे, इसको लॉस में भेज देंगे। तो हम दोनों ही केस देख लेते हैं, लेकिन इसमें बनना कौन सा है, ये बनना है जो 7,800 जो प्रॉफिट है, सिर्फ आप इसी को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। और वो कैसे करोगे, 7,200, और एक को कितने मिलने हैं, 4,500। तो 2 0 से क्या कर दो, 2 0 काट दो। अब क्या करो, 7,200 को 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा, ये आ जाएगा 24। और 4,500 को अगर आप किससे करोगे, 3 से डिवाइड करोगे, तो कितना आएगा, ये आएगा 15। अब भी 3 से हो जाएगा, हाँ जी, तो 24 को कितने से डिवाइड करो, 3 से, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8, और ये कितना आ जाएगा, 5। तो 8 और 5 रेशो बन जाएगी इनकी, 8 और 5 कितने हो जाते हैं, 13। ठीक है, तो आपके पास जो प्रॉफिट है इसको 8 5 की रेशो में डिवाइड कर लो। ठीक है, 8 और 5 कितने हो जाते हैं, ये 13, डिवाइड किससे करो, इसको 1/13 से, एक हिस्सा बना लो, कितने का, 7,800 का डिवाइड करोगे 13 से। ठीक है, ये कितना हो जाता है, 600। तो एक को कितने देने हैं, 8 हिस्से, और एक को देने हैं 5 हिस्से। तो क्या लिखोगे, बाय नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 7,800, और यहाँ क्या लिखोगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसको देना है, ये जय को और विजय को, 600 के अकॉर्डिंग 8 6 4,800 आ जाएगा। ठीक है, और सेकंड केस में कितना आ जाएगा, 6, ये आ जाएगा 3,000। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 7,800, और यहाँ क्या लिखोगे आप, जय और विजय, और यहाँ क्या आ जाएगा, जय और विजय, यहाँ क्या लिखोगे, बाय बैलेंस बीडी, कैपिटल देखो कितनी देर के उनकी, 80,000 और 50,000, 80,000 और ये 50,000। उसके बाद क्या मिला, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिला, ये 4,800, और ये कितना मिला है, 3,000। ठीक है, अब क्या करो, इसको टोटल करो, टोटल करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 53,000, और ये कितना हो जाएगा, 84,800। ऐसे ही आप यहाँ लिख दोगे 84,800, और यहाँ भी क्या लिखोगे, 84,800, ये कितना हो जाएगा, 53,000, ये 53,000। ठीक है, और यहाँ क्या लिखोगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, तो आपने इस तरह से क्वेश्चन, और यहाँ कितना हो जाएगा, 7,800, और यहाँ भी कितना हो जाएगा आपका, 7,800। ठीक है, इस तरह से आपने क्वेश्चन को ट्राई करना है। अगर इसका दूसरा केस देखिए हम, कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन कहता है एज ए चार्ज आपने ट्रीट करना है इसको,
चाहे फर्म को लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, आपने फुल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लेंगे, जे को और ये बीजे को कितना दे देंगे, फुल अमाउंट दे देंगे 7200 और ये 4500, टोटल हो जाएगा हमारा 11700। यहाँ कितना है हमारा प्रॉफिट बाय नेट प्रॉफिट कितना था, 7800। तो भाई 7800 में से अगर आप क्या माइनस करते हो, 11700 में से 7800 तो आपके पास ऑलरेडी है, तो हमारे पास जो लॉस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3900 हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, लॉस बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जे के अकाउंट में और विजय के अकाउंट में डाल देंगे, ठीक है। कितना लॉस है ये, 3900। और रेशियो क्या दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, 3:2 रेशियो दी हुई है, तो 3900 को हम क्या करेंगे, 3:2 रेशियो में 3:2 5 डिवाइड करो इसको 5 से, तो कितना आएगा मेरे पास, 780 एक पार्ट में आ जाएगा, एक को कितने देने हैं 2 इंच से, ये कितना आ जाएगा आपका 1560, ठीक है। और इसमें से अगर माइनस करते हैं 3900 तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 2340, ठीक है। और यहाँ क्या लिखोगे आप, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ठीक है। कितना आया आपके पास, ये आया 2340 और ये कितना आया आपके पास, 1560, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा आपका, 11700, ये भी कितना आ जाएगा, 11700। और यहाँ क्या आएगा, बाय बैलेंस बीडी कितना है, 80,000 और ये 50,000। उसके बाद क्या मिला, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिला यहाँ पर, 7200 और ये 4500, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 54,500, 54,500 और ये कितना हो जाएगा, 87,200, ये कितना हो जाएगा, 87,200 टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, था 54,500 माइनस क्या करना है इसमें से 1560, ठीक है। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 52,000 और ये 940। सेकंड केस के अंदर कितना आएगा, 87,200 माइनस कितना करना है, माइनस करना है आपको 2340, ठीक है, 2340। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 84,000 और ये 860। तो चाहे क्वेश्चन आपको मेंशन करे या ना करे, दोनों केस में कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन कहता है आज चार्ज है तो आपने ऐसे ट्रीट करना है, अगर क्वेश्चन साइलेंट रहता है तो आपने ऐसे ट्रीट करना है। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव या कोई शिकायत है तो वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपडेट करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।